Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मा फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट वैकेंसीज जो कि आई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश से, यानी नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के अंदर। तो शुरू करने से पहले जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको ऐसी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस और फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये आई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, यानी जो है नेशनल हेल्थ मिशन, उसके अंदर ये वैकेंसी आई है। और ये जो विज्ञापन है, देखिए आप देख सकते हैं 22/4/2022 को ये नोटिफिकेशन आया है। इसमें मेंशन है मध्य प्रदेश में संविदा के आधार पर संविदा स्टाफ नर्स एंड संविदा फार्मासिस्ट शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर UPSCs होती हैं, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उनको इन्होंने अभी कन्वर्ट कर दिया है शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर, जिसे आप इमेजिन कर सकते हैं मोहल्ला क्लिनिक जो कि है दिल्ली के अंदर, वैसे ही ये मोहल्ले के अंदर होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट बड़ी होती हैं जहां पर आबादी कुछ ज़्यादा होती है और एक सिविल हॉस्पिटल जो होता है वहां का, वो इतना बर्डन नहीं उठा पाता है, तो कुछ PSCs होती हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैली होती है, वहां पर जा रहे हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी के। रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते हैं और अनुबंध जो रहने वाला 31 मार्च 2023 तक के लिए होगा। अभी स्टार्टिंग में इन्होंने मेंशन किया है कि 31 मार्च 2023 तक के लिए जॉब रहेगी, पर ये NHM की जो जॉब्स होती हैं कॉन्ट्रेक्चुअल, ये कंटिन्यू रहती हैं, मतलब चलती रहती है हर साल, और हर साल कुछ ना कुछ एक इंक्रीमेंट भी इसके अंदर लगता रहता है, जैसा कि अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर होता आया है। अब देखिए पोस्ट की बात करें तो जो पद नाम है वो है संविदा फार्मासिस्ट शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए, जो कि पूरे मध्य प्रदेश के जितने जिले हैं उसके अंदर वैकेंसीज हैं। और देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 611, यानी कि हर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एक फार्मासिस्ट आएगा। जो सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली 15,000 रुपया प्रति माह। और जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, देखिए 12 चाहिए आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर, मान्यता प्राप्त कॉलेज से आपने फार्मेसी की डिग्री यानी BPharm या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हो, और मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का एक जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए। तीन चीज़ें अगर आपके पास है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट दी है वो देखिए 21 से 40 साल दी हुई है, और अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और इन लोगों के लिए आरक्षण रहेगा, जो कि पाँच वर्ष की एक्स्ट्रा इनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो सारी डिटेल्स हैं वो मिलेंगी आपको www.sems.co.in के ऊपर। अभी ये डिटेल्स अपलोड नहीं है वहाँ पर, कुछ ही दिनों में ये सारी डिटेल्स वहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। ये जो एजेंसी है सेम्स, ये HR की तरह काम करती है MP गवर्नमेंट के लिए। जो फॉर्म है वो 1 मई 2022 से खुलेंगे और 30 मई 2022 को बंद होंगे। जितने भी फॉर्म होंगे वो ऑनलाइन ही अप्लाई किए जाएंगे, ऑफलाइन मोड से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो 611 पोस्ट है उसका अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो देखिए कुल पोस्ट 611 है। अनारक्षित के अंदर ओपन 111 हैं, 54 महिलाओं के लिए, ऐसा करके क्लासिफिकेशन पूरा दिया गया है। आप देख सकते हैं आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उस कैटेगरी के अंदर फिल कर सकते हैं, या फिर उससे ऊपर वाली कैटेगरी के अंदर भी आप आ सकते हैं। अगर आपने कोविड के अंदर अस्थायी रूप से 89 डेज से ज़्यादा कार्य किया है तो आपको 10% का एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा इस वैकेंसी के लिए। जैसा कि मध्य प्रदेश के अंदर हमेशा होता है, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज होती हैं अगर वो परमानेंट के लिए वो बंदा अप्लाई करता है तो उसको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलते हैं। सो ये वाली वैकेंसीज भी, अगर आप वैकेंसी के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो इन फ्यूचर अगर रेगुलर पोस्ट निकलती है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। नॉर्मली साल के 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं, फिर एग्जामिनेशन होने के बाद वो 2 पॉइंट्स आपके टोटल मार्क्स में ऐड हो जाते हैं और फिर आपकी मेरिट बनाई जाती है। सो ये सारी डिटेल्स हैं जो अवेलेबल हैं अभी तक हमारे पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की जो वैकेंसीज हैं फार्मासिस्ट की। एग्ज़ाम होनी है या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना है, ये डिटेल्स अभी तक मेंशन नहीं की गई है। तो अब ये बात करते हैं कि किन के लिए यूज़फुल है। तो देखिए अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है और आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं इन फ्यूचर, अभी आपके पास जॉब नहीं है और इन फ्यूचर आप रेगुलर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस जॉब के लिए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपको 1 साल के हिसाब से मार्क्स भी मिलेंगे इन फ्यूचर, और उसके बाद अभी आप अगर कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 15,000 की सैलरी मिलती रहेगी। और ये जो जॉब है वो शहर में रहेगी HWC के अंदर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर, और जिनके जो टाइमिंग्स होते हैं वो भी 9 AM to 4 PM होते हैं। जनरल OPDs होती हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इतना बर्डन होता नहीं है, आपको सिर्फ मेडिसिन डिस्पेंस करनी है और मेडिसिन का स्टॉक मैनेज करना। तो ये सारी बातें हैं फार्मासिस्ट
क्लासेस वैकेंसी की जो कि निकली है NHM मध्य प्रदेश के अंदर, इसी और जॉब्स के लिए, वैकेंसीज के लिए और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।